जनपद में शनिवार के शाम 4 बजे की रिपोर्ट के अनुसार सरयू, राप्ती, रोहिन नदियां उतार पर आ गई हैं। इस समय तक जनपद में 333 गांव अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। इसमें तहसील सहजनवा में 37, कैंपियरगंज में 51, चौरी चौरा में 28, खजनी में 31, बासगांव में 42 तथा गोला में 71 गांव बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। जनपद में प्रभावित 333 गांव में 431 नाव और वोटर वोट लगाए गए हैं। इसके अलावा मेडिकल टीम गठित कर लगातार स्वास्थ्य वर्धक दवाइयां वितरित की जा रही हैं। पशु चिकित्सक और भूसा भंडारण की भी व्यवस्था की गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों के साथ पीआरडी के जवान भी लोगों को राहत सामग्री के साथ अन्य सुविधा उपलब्ध कराने में जुटे हुए हैं। बाढ़ राहत शिविरों पर लोगों को राशन सामग्री किट का वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा बाढ़ से प्रभावित सभी गांव में जिला प्रशासन द्वारा समुचित व्यवस्था की गई है, जिससे किसी को कोई भी दिक्कत न उठानी पड़े। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, आप नेशनल में वो नहीं गया इधर पूरा बला के यहाँ सुबह लेके दुकान में लोग बोलना चाहिए ना इस पर चल गया कल तुम यहाँ भी रोटी का हमें 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 आराम से चल जाओ पता नहीं हवा लगी देखिए कहाँ जगह हवा अरे हरी जी हो हरी जी सर क्या स्थिति है? जनपद में नदियों का जलस्तर घट रहा है। राप्ती जो परसों 2.32 मीटर डेंजर लेवल से ऊपर बह रही थी, अब वो 2.20 हो गई, अर्थात वो 12 सेंटीमीटर राप्ती का राप्ती घट गई है और ये अच्छी बात है। इसी तरह से सरयू भी अब उतार पर है। जनपद में इस समय जिला प्रशासन की ओर से 405 नावें लगाई गई हैं और इस बार 50 मोटर बोट तैनात की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे। सभी तहसीलों में राहत सामग्री का युद्ध स्तर पर वितरण किया जा रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई तहसीलों में वितरण किया है, कल भी वितरण करेंगे। अभी कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। कहीं से यदि किसी गाँव में कोई मकान इत्यादि के टूटने की या क्षतिग्रस्त होने की रिपोर्ट आएगी, उनको तत्काल मुआवजे का वितरण किया जाएगा।